साड़ी चौंते तुई कश्मीर एक साड़ी चौंते तुई कश्मीर एक साड़ी चौंते तुई कश्मीर दोए पेड़ा सकिया दोए पेड़ा सकिया लदाखिंदा वीर लदाखिंदा वीर एक साड़ी दोए भैणा सखियां तो लद्दाख इंदा पीर है एक साड़ा जम्मू एक कश्मीर है। दोस्तों बड़ा सोहना जिहड़ा आगाज होया अज साड़े कार्यक्रम एक मलाटी दे विच अस तुहाडी मलाटी करान जा करने आ विवा भारती जी जिहड़ा साड़ा जम्मू का प्रतिनिधित्व करी आई हैं जिहड़ी पंजाब च होए दे एक कंपीटीशन दा गीतें दा और विनर न वो जीती आए 2016 च आवाज़ पंजाब की आवाज पंजाब की विनर 2016 की अच इन कने गल कत करने ते कियां इंदा सफर होया वह भी तुहाडे तक पजा के और कुछ इंदे मुखार बिंचा इंदी मधुर आवाज़ दे विचा कुछ डोगरी गीत तुहाडे कने भी साझा करने के प्रयास करिए। तो पहले विवा जी तुहाडा स्वागत है डुगर विरासत पेज। बहुत बहुत शुक्रिया साडे डुगर विरासत पेज का जिन्हें सानू मौका दिता अज दा ये प्रोग्राम करने वास्ते। एक डुगर विरसा दा प्रयास है और खास करी साडे पेज दा ये प्रयास है कि कुछ साडे बड़े हिडन टैलेंट छुपे दियां कलां ने साडे जम्मू कश्मीर दे अंदर पर उन्हें की कोई प्लेटफार्म नहीं मिलदा। जी जी ये गल सही है। ये भी मैं बड़ा एक दिलाई बड़ा माड़ा लगता है जिसलिए अस चीज़ दिखने कि साढ़े जम्मू कश्मीर च कोई टैलेंट की कोई कमी नहीं है। क्या तुस एक्टिंग च दिखो तुस सिंगिंग च दिखो तुस डांसिंग च दिखो हर एक जॉनर विच बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ने पर साड़ी या फिर गवर्नमेंट या फिर साड़ी JNK जी कल्चरल अकैडमी है उस साड़ी कोई गल ही नहीं सुनती है वह शायद सानू अगे लियाना नहीं चाहती है या वो साड़े उपर ध्यान ही नहीं दिंदी है कि इतने कलाकार ने एक क्यों अपना जम्मू कश्मीर छड्डिए बाहर जाते हैं काम करने वास्ते। बिल्कुल एक गल अस तुहाडा जानना चाहते हैं साढ़े अपने दर्शकों लिए कोई सदा तो दिखी है और मती सारी जी छुपी की प्रतिभा वो बाहर आवे और साड़ा भी प्रयास कामयाब होया। किया सफर होया गायकी का कदों पता लग्या कि मेरे अंदर कोई ऐसी कला है। बेसिकली देखा जाए तो संगीत साढ़े परिवार च पहले भी है हाँ मेरे दादा और गाँवे हे उसके बाद मेरे पिता जी गाने लगे उन्हें सीखिए गाया फिर उन्हें वही टैलेंट जरा उनके अंदर हाँ उन्हें मी सिखाया और मैं जदों होश संभाली अपनी तो मैं अपने आप की दिखे कि मैं हारमोनीयम बजानी है मिगी नहीं पता वो किड़ा टाइम हा वो मैं कदों सीखिया कि जदों मी होश आई तो मैं हारमोनीयम एक अच्छा प्ले करती ही पर मी जरा उदे पिछे दा प्रयास है वो मेरा नहीं लगता मी इं लगता कि मेरे माँ प्यो ही मिगी स्टार्टिंग तो ही सिखान लगे थे और उनका आखना यह है कि 3 साल की उम्र च मैं ये उनके कोला सीखना शुरू करी था। हाँ जी मैं शुरू करी थी। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਲਲੋਤਰਾ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਲੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਕੂਦ ਵਾਲੀ ਪੱਖੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਗਨ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬਿਖ ਭੰਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਐਸਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਾਂ RSਪੁਰਾ ਦੇ ਹਾਂ ਅਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਸੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਵਾਈ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਗਾ ਪਰ ਤੁਸ ਸਮਝਾਈ ਓੜੋ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਮਤ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਜਾਣਾ ਹੈ
ते फिर इस तरह के लोगों भी पता चल गया कि नहीं ये लोग मतलब ये अच्छे ने, मतलब संगीत जड़ा है इंदा जड़ा और भी लोग सीखने आस्ते आन लगी पे, ते उन्हें भी लगी पता कि नहीं कि बड़ी अच्छी चीज़ है, सानू भी बच्चे सिखाना चाहिए। एक चीज़ एक अपने अंदर कला होंगी, उसी अपने घर तक अस सीमित जिले रखने, सुनने वाले भी करा दे ते सुनाने वाले भी करा दे, उल्लै परख सही होया अपने आप ही कि मैं कोई कंपीटीशन च भी जा और बड़े बड़े कंपीटीशन च जाना, उल्लै पता लग गया फिर तुम्हें। पहली बारी जदों मैं गाना शुरू किया तो मैं धार्मिक स्टेज उपर ही शुरू किया कि मैं भजन गाना शुरू किया जितों, और बाद क्लासीकल च मेरा ज़्यादा मेरे घर आह्ले ने मैं सिखाया दा हा, ते एक जम्मू कश्मीर च एक क्लासीकल दा जिहड़े साढ़े J&K कल्चर अकैडमी करवाती है, हर साल करवाती है, ते मैं 2013 विच मैं उहदा फर्स्ट प्राइज विन किया हा, पर मेरी अदू एज जिहड़ी ही ना वो उस कंपीटिशन वास्ते लायक नहीं है, मतलब मेरी एज घट ही, वो कंपीटिशन जिहड़ा हा वो बड़े बच्चें दा हा, 16 to 22 साल के बच्चे का हा, बट मैं छोटी मैं रोन लगी पी, मैं कहा नहीं आज मैं कंपीटिशन करना है मैं घर नहीं जाना इन्ना जिन तक मैं कंपीट पा, बोले की करानी तू, नहीं तेरा उत्थे नंबर आना, उन्हें कहा चलो गुआई उड़ो कुड़ी कोला बच्ची कोला, उन्हें कहने गल की चलो रोआ दी कुड़ी, तो मैं उस कंपीटिशन से हिस्सा लेता और मैं उस बारी अपने लैवल को ज़्यादा मतलब मैं अदू भी फस्ट प्राइज़ हासिल किया जम्मू कश्मीर क्लासीकल च, फिर उ एक ऐसा होया कि मिगी इं लग्या कि मैं इस लाइन की पकड़ा और मैं इसे अगे जारी रखा। बेबा जी एक चीज़ होर है जी, तुम आखिया भी खास करिए कुड़ियों के उपर बड़ी बंदिश आदि, हाँ जी माँ प्यो तो कोशिश करते हैं अज कोई फर्क नहीं रखते मुड़े च ते कुड़ी च, पर समाज साढ़ा अज भी उंगली चुकता, उन्हें समाज वाले ठेकेदार की की आखना चाहते हो कुड़ियों की खुद मुख्तियारी कितनी हद तक देनी चाहिए? हाँ जी, मैं बस यही मेरा एक संदेश है कि अजकल वो जमाना चली गया कि जदों कुड़ी तो मुड़े में थोड़ा फर्क रखते हैं, पर अज तो तुम आपू देखते हो कि साड़ी पायलट साड़े एस्ट्रोनॉट्स कितनी डॉक्टर्स वगैरह भी साड़ी कुड़ियां ने, और वो हूँ इस टाइम में देखा जाए एजुकेशन से भी कुड़ियां जो ज़्यादा कमाल करा दी मुड़े को, तो ऐसा कदे भी नहीं रखना चाहिए कि मुड़े घट ने या कुड़ियां घट ने, एक जैसा ही उन्हें करना चाहिए अगे उन्हें बधाना चाहिए। जियां तुसीं कदे पढ़ाई च भी अपल जा करदे हो, तुहाडी पढ़ाई च कदे बिघन तां नहीं पिया भई जिहड़ा गाने वजाने दा रियाज दे विच टाइम देना होवे ते कदे बिघन पिया? नहीं, मेरा एक एम हाँ और साढ़े घर विच इह हुंदा कि मतलब असीं रोज़ दा एक घंटा जिहड़ा है वह असीं म्यूजिक ही देना है, चाहे वह मैं पढ़ा चाहे मैं घर जावां चाहे मैं बाहर जाना है, एक घंटा अस कढ़ी सकने हैं, ऐसी कोई बड़ी गल नहीं, अस सवेरे रियाज कर सकने हैं, अगर 5 to 6 कर सकने हैं, अस लोग आपू सोचने कि अस बाहर जन्ने अस पढ़ने साढ़े को टाइम नहीं होता, वो साढ़े अपने दिला की गल है, पर जिदे दिला विच होए ना अगर कुछ करने का वह टाइम कढ़ी के लेंदे ने। ते मेरी 11th 12th विच भी जदों अच्छी मेरी क्लासेस अच्छी हुई, मैं नॉन मेडिकल च किता, मेरी एजुकेशन भी अच्छी ही, उदे बाद फिर मेरा 12th दे बाद फिर मैं एक कंपीटिशन हा उदे हिस्सा लैता, मैं बाहर जाना पिया, मैं अपनी जिहड़ी पढ़ाई ही वो रेगुलर नहीं कर सकती ही, उदे वास्ते मैं फिर अपने डिस्टेंस एजुकेशन दे थ्रू अपनी ग्रेजुएशन कीती जी। उदे बाद च तुसें म्यूजिक दे विच पीजी भी शायद? हाँ जी हाँ जी, फिर एक ऐसा टाइम आया कि साढ़े MH1 जदों मैं जितया आवाज़ पंजाब दी, तो मेरा 3 साल का उनके कने कॉन्ट्रैक्ट हा, उदे विच ये हा कि मैं कुछ चैनल कने नहीं गाई सकती ही, तो वो टाइम मेरे वास्ते बड़ा मतलब एक बड़ा एक बंदे दा ये टाइम हा कि मैं कोई होर चैनल उपर नहीं गाना है, मैं कोई होर स्टेज उपर नहीं गाना है, उनके कने गल करिए गाना है, वो साढ़े पर कोई भी इलेक्शन मतलब कर सकते कि नहीं तुस नहीं गाओ, वो टाइम मेरा ऐसा हा कि मैं सोचा कि मैं चलो ग्रेजुएशन तो मेरी हुई है, मैं अपना अगे भी कुछ मतलब उन्हें तो मैं बनी उड़िया, तो फिर मैं अपना वो टाइम जरा मैं वो अपनी PG करी थी वो भी रेगुलर च जी। हूँ उस चैनल कने तो अनुबंध थोड़ा रहा? हाँ जी, पर अज साढ़े चैनल कने अनुबंध हुआ करता, क्या अस शुरुआत करने कि साढ़े बाकी वाले जिहड़े बच्चे ने उनके दे विच वो उत्सुकता पैदा होवे वो भी गान कोई एक दो गीत साढ़े चैनल दे राहें अस पजाना चाहने लोकां नूं जी। मजूरिया नहीं लाना
विवा जी फंदू भावें मजूरी लाना जा नहीं लाना पर असें भी अज सच गलाना कि तुसें साडे लई जरूर गाना जी, जरूर, एक होर फरमाइश आखदे वो मिठास साडी भाषा दी है मिश्री दी सुतुल भाषा है पर अजकल लोग बोलने कोला भी शर्मादे साडा प्रयास है उस गुड़ रस की असें दर्शकें तक पहुंचाना एक होर सुना जाएगी डोगरी बोल देने डोगरे सोची दे बचारे मुंह खोल देने डोगरे
चंगा जंदे असिए ते आंदे नहीं ओ नसिए चंगा जंदे असिए ते आंदे नहीं ओ नसिए जाल मिगी मार देने तीर कसी कसिए तीर कसी कसिए ओ चंगा जंदे असिए ते आंदे नहीं ओ नसिए जाल मिगी मार देने तीर कसी कसिए तीर कसी कसिए बीवा जी बड़ा खूब सचमुच जिन्हें भी डोगरे सुना दे अज सच्चे मुचे भूए चढ़ी गए उन्होंने जबान तो मिठी है पर जहरा को भी कौड़े बनते हैं जल्द दुश्मन सामना हो और डोगर के मान सम्मान के अच्छ जो गीत गाया फकर महसूस हों पर अच्छ एक डाढ़ा दुख भी होंगे साढ़े डोगरी डोगरी बोलने को दूर हटा देन उनके बारे क्या आखना चाहते अस लोग ना शर्माने होने सोचने कि डोगरी कोई ये कोई भाषा नहीं है सानू इंग्लिश बोलनी चाहिए सानू हिंदी बोलनी चाहिए पर मैं तुसें अपनी गल सुना मेरे बड़े सारे प्रोग्राम्स बाहर होंगे ना तो मैं अपनी मम्मा अगर घर अस हिंदी बोलचे ना बाहर जाइए मेरे को डोगरी बोलती मैं हिंदी नहीं बोलनी सारे लोग हिंदी बोला दे साड़ी केह पहचान है अस कैं बोलने डोगरी अस भी दस्सचै ना अस जम्मू दे आं साड़ी डोगरी भाषा इन्नी शैल है जिसले ओह साड़ी भाषा सुनदे ना आखदे तुस किन्नी शैल बोलने होने तुहाड़ी आवाज़ तुहाड़ी भाषा च किन्नी मिठास है अस कैं शर्माचे इस साढ़े जेह्ड़े जेह्ड़े अज दे लोग ने वो अपने बच्चें की ना ज़्यादा सोचते इंग्लिश बोलो ठीक है वह भी जरूरी है पर अपनी एटलीस्ट अपनी भाषा ही तो नहीं भुलो उन भाषा की जीवित रखने वास्ते जरूरत है साढ़े तुहाड़े कलाकारें दी ते एक होर हुण लालच पवा करदा सुना जाए एक गीत होर हां जी जरूर जड़ा मैं गाना गान लगी इन्हें कंपोज किए मेरे पापा जी उन्हें ते एक लोक गीत है एक जान मेरी को ते खंदी एक मिनट करा दुआ शंदा त्री
बड़ा खूब दोस्तों, उम्मीद करा करने कि तुसें भी आज अपने आप पर फक्र होआ दा हो। अगर तुहाड़े घर च भी कोई बच्चा गाने वाली पखी जांदा तो उसी रोको नहीं, उसी टोको नहीं, माण बधाओ, सम्मान बधाओ। कुसे ने बच्चा यार ना कमाई है, तुहाड़े घर का भी, अपने प्रदेश का भी, तो खास करिए डुग्गर प्रदेश का नाम भी रोशन कर सकता है। अज आवाज पंजाब की विनर न, पर साढ़े डुग्गर विरसा का आशीर्वाद इंदे पर है कि ये सारे गामा पा जड़ा उदे च भी पार्टिसिपेट करना और साढ़े जम्मू का नाम रोशन करना। इस दुआ कन्नै गै दोस्तों अस अज की कड़ी, अज का अंक इत्थे गै संपन्न करने की आग्या चाहते हैं। हाँ, हुण अग्गे कोई होर कलाकार इहे ले तुहाड़े कन्नै मलाटी करा के ते उन्दे कन्नै भी गल कत करिए, उन्दी कला दे विच जिहड़े गाए दे उन्ने गीत ने उह तुहाडे तक पहुँचाने का प्रयास करिए। Sa ni da ma ma pa da ma ga ni sa ni sa ja ni ja.